हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती स्टाइल कढ़ी और नमकीन वेज पुलाव, जो बहुत ही कम सामान में आसानी से घर पे बन जाता है। और ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप चावल, और इसके अंदर अच्छे से पानी डालकर हमें 5-6 बार वॉश कर लेना है, और 15 से 20 मिनट तक इसे हम भिगोकर साइड पे रखेंगे। और ये मैं एक कढ़ाई के अंदर डाली हूँ घी, और इसी के अंदर मैंने डाला है तेज पत्ता, 4 से 5 काली मिर्ची और एक दालचीनी का टुकड़ा, और इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला है जीरा। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग, और अब इसके अंदर हम डालेंगे गाजर। ये मैंने एक बारीक कट की हुई गाजर ली है। ये मैंने इसके अंदर डाले हैं थोड़े से बीन्स, और अच्छे से इन्हें हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अब हम हमारी बाकी की वेजिटेबल डालेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का आलू, और अब डालेंगे हम इसके अंदर शिमला मिर्च, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर स्वीट कॉर्न या फिर मटर, जो डालना चाहो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। इस पुलाव को आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ क्योंकि ये एकदम खिले खिले पुलाव बनेंगे। और जब हमारी वेजिटेबल हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो अब इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। और अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, जो ये हमारे पुलाव को खट्टा मीठा टेस्ट देगा। अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर डालेंगे हमारे जो भिगोए हुए चावल थे उसे, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स हमें धीरे धीरे ही करना है, नहीं तो हमारे चावल टूट सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हमें ऐसे ही इसे पकाना है, जिससे हमारे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। चावल को हमें बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। तो मैंने 1/2 कप चावल लिया था, तो मैं उसी के हिसाब से डबल पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, और चावल को हमें कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना है, ऐसे ही इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा उबाल आने लग गया है। जब तक ये हमारे चावल रेडी होते हैं तब तक हम कढ़ी बना लेते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच
बेसन डाला है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी छाछ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने खट्टी छाछ ली है और अच्छे से इसे हमें एक बैटर बना लेना है, जिससे बेसन के अंदर एकदम भी लम्स नहीं रहेगा। तो इसी हिसाब से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और हमारा बैटर एकदम सॉफ्ट सा रेडी हो गया है, तो अब हम इसके अंदर बाकी की छाछ ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं एक कप छाछ ले रही हूँ और ज़रूरत लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले आधा कप ली थी और अब इसके अंदर वापस मैंने आधा कप ऐड की है और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर लिया है और अब हम वगार के लिए कढ़ाई के अंदर घी डाल रहे हैं। जब घी अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। तो हमारा घी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा और इसी के साथ मैं इसके अंदर राई के दाने डाल रही हूँ और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल रहे हैं और ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हींग डाली है। हींग से बहुत ही अच्छी अरोमा आने लग जाती है। ये मैंने इसके अंदर डाला है अदरक और हरी मिर्ची। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था और हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और अब इसके अंदर हम हमारा बैटर डाल रहे हैं और कंटिन्यू इसे हमें चलाते रहना है। अगर आपको कढ़ी में कलर चाहिए तो आप इसके अंदर हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बाकी गुजराती कढ़ी में हल्दी पाउडर यूज़ नहीं होता है, तो इसी हिसाब से हमें इसे पकाना है। एक बात का ध्यान दें, छाछ हमारी खट्टी होनी चाहिए, इसी से कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और अच्छे से कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है। कढ़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा वेज पुलाव और गुजराती स्टाइल में कढ़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।